आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज या चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक रिंग बनाया हूँ, इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ से इसके सेंटर से एक एक्सिस बनाया, इस एक्सिस पे पी पॉइंट एक्स डिस्टेंस ओ से है, ये इसका रेडियस है मानेंगे। यहाँ पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं एलिमेंट कट करते हैं। जैसे यहाँ पर डी क्यू कट किया, मतलब डी एल कट किया, तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा डी क्यू। इस डी क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डी, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट, जैसे ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये डी कॉस थीटा होगा, ये डी साइन थीटा। सिमेट्रिकली जैसे ऊपर कट के जस्ट इसके नीचे हम कट करेंगे सेम अमाउंट, फिर यहाँ से इसको हम ऐसे मिलाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा डी, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो सिमिलरली इसमें भी इधर इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा डी ई साइन थीटा, है ना। फिर यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ कट करेंगे, सिमेट्रिकली कट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है वही फॉर्मूला लगाया हमने, बट डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा पाइथागोरस फॉर्म में इसमें लगा देंगे। देखिए ये ट्रेंगल बन जा रहा है अपना, ये दिस इज द एक्स और दिस इज़ द ए, ये रेडियस ए आर मान लिया है लेंथ, तो पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो ये हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पर है अपना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी ई की जगह आप सारी वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह रख देंगे क्यू अपॉन 2 पाई एल इंटू डी एल, और आर स्क्वायर की जगह 1/ a² प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। अगर हमें अब क्या करेंगे, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज रिंग एट पॉइंट पी, अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक बार ध्यान दीजिएगा डी ई क्या है हमारा सेम, ये भी आर होगा सिमेट्रिकल है, तो ये भी आर है, ठीक है। तो डी ई साइन थीटा की वैल्यू जो आ रही है ये दोनों के लिए सेम होगा, दोनों के लिए सेम होगा, और साइन थीटा की भी वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, तो ये वर्टिकली जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सिर्फ हॉरिजेंटल वाला बचेगा हर बार। ये जैसे यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ कट करेंगे, जितने भी कट करेंगे रिंग पर सिमेट्रिकली सब में वर्टिकल वाला कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हॉरिजेंटल वाला बचेगा। तो इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जोड़ें या तो इंटीग्रेट कर दें, तो हम एक काम करते हैं क्या जोड़ते हैं, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। डी ई कॉस थीटा, डी ई की वैल्यू अभी अभी बताया इतना बड़ा, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस बेस क्या होता है हमारा, बेस होगा ये, हाइपोटेनियस होगा ये, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर, और आर की वैल्यू अभी हमने बताया ये आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे, देखिए वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, यहाँ पहले से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जितने कॉन्स्टेंट है बाहर ले लें, हम लेंथ ही तो कट कर रहे थे, तो सिर्फ डी एल वेरी करेगा बाकी सब बाहर, और डी एल इंटीग्रेट भी करेंगे तो उसका पूरा लेंथ देगा, और सर्किल का पूरा लेंथ होता है 2 पाई आर, मतलब उसका पेरीमीटर, तो ये 2 पाई ए रेडियस माने हैं, तो इससे देखिए ये कट जाएगा और ये अपना